हाय, कैसे हैं आप सब? यार, आज मैं आपके लिए किया का वो वेरिएंट लेके आई हूँ जो आपके लिए मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है। बेसिकली हम लोग हमेशा बोलते हैं कि यार आप बेस वेरिएंट के ऊपर जाइए या टॉप वेरिएंट के ऊपर जाइए, बीच के काफ़ी सारे वेरिएंट्स को हम लोग स्किप कर देते हैं या फिर बोलते हैं अपने फीचर्स को आप देख लीजिएगा, आपको क्या प्रेफर्ड है, आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पर मैं बोलूँगी कि हम बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि दिस वन इज़ वैल्यू फॉर मनी का, क्योंकि यहाँ पर बेस में जो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है ना, उसमें कुछ ऐसे ऐसे एड ऑन्स किए गए हैं जो बहुत प्रैक्टिकल हैं, जो आपके यूज़ के हैं और आप बिल्कुल मिस आउट नहीं करना चाहेंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में और हमें यहाँ पे क्या क्या ऑफर किया जाता है। फ्रंट में अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ग्रिल सेटअप मिलता है कुछ इस टाइप का, जिसमें ये ऑल ब्लैक में आपको दिया गया है। ग्लॉसी नहीं है ये, लेकिन ख़राब बिल्कुल नहीं दिख रहा है। लाइट सेटअप की अगर बात करेंगे तो ये आपको बिल्कुल जो इसकी डिज़ाइनिंग है ये आपको टॉप वेरिएंट की तरह ही दी गई है, लेकिन ये DRL नहीं है, आपको इल्यूजन दे रहा है। ये क्रोम में ये डिज़ाइनिंग दी गई है जो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट आपको लगेगी। और बाकी यहाँ पर आपको हैलोजन हेडलैम्प्स ऑफर किए गए हैं, नीचे के साइड में आपको फॉग लैम्प भी दिए गए हैं। और इफ़ यू वॉन्ट, अगर आपको लगता है कि आपको हैलोजन से अपग्रेड करना है तो ये आफ्टर मार्केट या फिर आप किया से LED में इसको कन्वर्ट करा सकते हैं, बट हैलोजन भी अच्छी खासी लाइट देते हैं, नॉट अ बिग इशू। बाकी जो ये सब डिज़ाइनिंग पैटर्न है आपका सब सेम रखा गया है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। कार बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रही है। फ्रंट में आपको कैमरा नहीं दिया गया है, लेकिन यस, आपके पास पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं जो 90% आपके जॉब को ख़त्म कर देते हैं। मूव करते हैं कार के साइड प्रोफाइल पे। साइड में सबसे मेन अट्रैक्शन हमारा टायर्स होते हैं, तो यहाँ पर आपको 16-inch टायर्स दिए गए हैं। लोअर पे जाएंगे बिल्कुल बेस में तो 15-inch के हो जाते हैं। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको लग रहा होगा अलॉय है, ये अलॉय नहीं है, ये हमारी व्हील कैप है, लेकिन इसकी डिज़ाइनिंग इतनी ज़्यादा स्मार्ट है कि आपको लग रहा है कि ये अलॉय व्हील्स हैं। तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट इसके ऊपर काम किया गया है। और अगर इसकी हम क्वालिटी की भी बात करें तो ये बिल्कुल भी ऐसा हल्की सी चीज़ नहीं है, अच्छा लग रहा है। टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ मिल जाता है ड्यूअल शेड में, आपको ORVM दिया गया है। डेफिनेटली यहाँ पर आपको ऑब्वियसली 360° कैमरा नहीं मिलता है। बाकी आपको रूफ रेल्स यहाँ पे मिल जाते हैं जो आप मिस करेंगे बेस वेरिएंट में। बाकी डायमेंशन हमारी बिल्कुल सेम है, अराउंड 3.9 meters इस कार की लेंथ है। कार की ब्रॉडनेस आपको 1.8 meter ऑफर की जाती है, जो कार की हाइट है वो आपकी 1.5 meters है। कार का जो व्हील बेस है दैट इज़ अराउंड 2.5 meters, और जो यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 205 mm की ऑफर की जाती है। तो मीन्स किसी भी ट्रैक पे आप इसको लेके जा सकते हैं बिना किसी टेंशन के। आ जाइए साइड में। अच्छा, यहाँ पर फ्यूल टैंक है, पेट्रोल डीजल दोनों में गाड़ी अवेलेबल है हमारे पास। इंजन में हमारे पास 3 engine ऑप्शन है आपके पास। आप इसको ले सकते हैं 1 liter टर्बो पेट्रोल के साथ, या फिर आप इसको ले सकते हैं 1.2 liter नॉर्मल पेट्रोल के साथ, और अगर आप डीजल पे जाएंगे तो आपके पास वहाँ पर अवेलेबल है 1.5 liter डीजल इंजन। डीजल में पंच बहुत खतरनाक है। 1.2 लीटर में अगर आप इसको लेते हैं तो वहाँ पर एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, लेकिन इंजन थोड़ा सा अंडर पावर आपको लगने वाला है। 1 लीटर टर्बो ज़बरदस्त पंच देने वाला है, गाड़ी भागेगी, एफिशिएंसी थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी। बैक साइड में आप देखेंगे तो अगेन यहाँ पर कनेक्टेड टेल लैम्प का इल्यूजन क्रिएट किया गया है। ये वर्किंग नहीं है, लेकिन डिज़ाइनिंग बिल्कुल सेम रखी है कंपनी ने, ये भी बहुत ज़्यादा आपको स्मार्ट लगेगा। बाकी टेल लैम्प सेटअप आपका यहाँ है। सोनेट यहाँ पर मेंशन किया गया है, बहुत स्मार्ट सा किया लिखा गया लोअर बम्पर पार्ट में। जैसे हम मेटल फिनिश को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे टॉप वेरिएंट्स के अंदर, जो मेटल ग्रे कलर, मेटल ग्रे ही था मैं बोलूँगी उसे, डार्क ग्रे के अंदर था, वो शेड नहीं है यहाँ पे। सेम कलर आपको जो कार का कलर है वही यूज़ किया गया है। पार्किंग सेंसर्स आपको रिवर्स में भी दिए गए हैं, और ये आपको 2 दिए गए हैं। और अगर टॉप वेरिएंट के ऊपर आप जाएंगे, आप थोड़ा ऊपर की तरफ पैसा खर्च करना शुरू करेंगे, तो ये 2 की जगह आपको 4 मिल जाएंगे। अब प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है, जो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है फ्रंट में, चाहे हो नहीं हो लेकिन रिवर्स में भी ज़रूरत होती है, तो वो आपको यहाँ पर दिया गया है। बहुत अच्छा खासा बूट स्पेस ऑफर करती है, आप अच्छा खासा सामान आपका यहाँ पर आ जाएगा। कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं, जैसे पार्सल ट्रे नहीं है, तो इतनी ज़्यादा मुझे उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं लगती। ठीक है, बहुत सारा सामान आ जाएगा तुम्हारा। अब देखिए इस कार की आपको की मिलती है कुछ ऐसे, आप इस तरीके से फ्लिप करेंगे आपकी मैनुअल की बाहर आ जाएगी, और यहाँ से आपके पास लॉक, अनलॉक और बूट ओपनिंग का ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ पर आप डोर में देखेंगे तो चारों पावर विंडो कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं, ORVM कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। नीचे के साइड में आपके पास जगह दी गई है, बॉटल वगैरह रखिए। सीट कंट्रोल्स की अगर मैं बात करूँ तो हाइट एडजस्टमेंट तो देखिए, आपको चाहे आप टॉप लीजिए कोई भी लीजिए, आपको मैनुअली करनी पड़ेगी, बाकी एडजस्टमेंट भी मैनुअल है, और वो ज़्यादा मुझे प्रैक्टिकल भी लगता है यार, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि लगे ना धीरे धीरे आगे जा रही है, धीरे धीरे पीछे आ रही है। ठीक है, मतलब उस चीज़ के लिए ज़्यादा दिमाग या पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक एडजस्टमेंट है ये। स्टेयरिंग हमें ये दिया जाता है, इसके ऊपर हमारे पास
बेसिक जितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है सब है, अपना फ़ोन ऑपरेट कर सकते हो, वॉइस कमांड दे सकते हैं। और ये जो कुछ कंट्रोल है ये आपके MID के लिए है, आपको दिखा देती हूँ मिनट। और इसको आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ये स्टार्ट स्टॉप के साथ नहीं है, यहाँ पर आपको की से ही इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। और ये है इसका बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसको हम सेमी डिजिटल बोलेंगे क्योंकि जो बीच का आपका MID स्क्रीन है वो आपका फुल ऑन डिजिटल है, और जो साइड में आपको डिस्प्ले दिया गया है जो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है, एकदम आपको स्पोर्ट कर वाला फील देता है। ये आपको एनालॉग मीटर्स दिए गए हैं और ये सारी रीडिंग्स आपको बहुत क्लियरली इसमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट यूनिट दिया जाता है और इसके अंदर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस है। स्ट्रेंजली इन वेरिएंट्स के अंदर जो लोअर वेरिएंट्स हैं उसके अंदर आपको वायरलेस दिया जाता है, टॉप वेरिएंट के अंदर वो वायर्ड हो जाएगा। आई डोंट नो ऐसा क्यों करती है कंपनी। फिजिकल बटन्स के थ्रू आपको ये कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं, उसके नीचे आएंगे तो ये आपको AC कंट्रोल यूनिट के लिए दिया गया है। यहाँ से आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। और फर्दर नीचे की तरफ मूव करते हैं, टाइप सी पोर्ट है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, USB पोर्ट आपको दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको कार मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलती है, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन आपको ऑफर किया जाता है। और ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट आपको मैं दिखा रही हूँ ये आपको मैनुअल के साथ ही मिलेगा, क्योंकि अगर आप अपना ट्रांसमिशन बदल देंगे ऑब्वियसली आपका प्राइस फिर इंक्रीज हो जाएगा, तो ये आपको इसके साथ मिलता है। और बिलीव नहीं, ये बिल्कुल भी आपको हार्ड नहीं लगेगा, बहुत ईजी इसका ऑपरेशन है, और ट्रैवल टाइम जो आपका क्लच का वो भी बहुत ज़्यादा कम है, तो ले सकते हो यार। मतलब अगर थोड़ा सा क्या बोलूँ, नो कमेंट्स, लेकिन ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते, अच्छी चीज़ लेना चाहते हो तो ये डेफिनेटली अच्छा प्रोडक्ट है। ये आपके पास मैनुअल हैंड ब्रेक है, यहाँ पे आपको जगह दी गई है, छोटा सा स्पेस आपको यहाँ मिल जाता है। और ये हमारा डैशबोर्ड है, और जो हमारी सीट्स हैं ये आपको फैब्रिक के अंदर मिलती है, बहुत अच्छा इसके अंदर कम्फर्ट आपको मिलेगा। थोड़ा सा जो बॉलस्टर की डिज़ाइनिंग है वो इस टाइप से है कि आपको थोड़ा ग्रिप फील कराता है, आपको बहुत मतलब काफ़ी किलोमीटर्स आप बहुत आराम से लंबे लंबे ड्राइव पे जा सकते हैं कंफर्टेबली इस कार के अंदर बैठ के। सनरूफ आप डेफिनेटली मिस करेंगे इसके अंदर। और एक आपका जो IRVM है ये भी आपको मैनुअल सेटिंग के साथ मिलता है, ये दिस इज़ नॉट इलेक्ट्रोक्रोमिक। बट ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि यार ठीक है भाई, ठीक है, अगर तुम्हारे बहुत सारे पैसे बच रहे हैं तो बचा लो, मतलब आपकी चॉइस है। यहाँ पर आपको अगर मैं पुराने वेरिएंट से कंपेयर करती हूँ तो अराउंड 15,000 से 20,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और अगर आप टॉप पे जाते हैं तो 80,000 से 90,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। देन चॉइस इज योर्स, आपका बजट जितना अलाउ करता है आप वो वाला वेरिएंट खरीदिए। और अगर आपको लगता है कि मेरी रिक्वायरमेंट बहुत बेसिक सी हैं लेकिन मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें भी चाहिए कि मुझे चारों पावर विंडो मिल जाए, और मुझे रिवर्स में मुझे कैमरा मिल जाए, मुझे अच्छा सा एम्बियंस फील हो कार के अंदर, और मेरे को इंफोटेनमेंट मिल जाए, मुझे वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाए, तो मुझे लगता है कि यार इस कार के अंदर कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो प्रैक्टिकली हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, और गाड़ी के अंदर वो चीज़ नहीं दी गई है। मतलब एवरीथिंग इज़ देयर, आप सोच सकते हैं इस गाड़ी के बारे में भी, अगर गाड़ी प्लान कर रहे हैं तो इसको भी मिस आउट नहीं करना, अगर थोड़ा बजट को लिमिटेशन में रख के चलना है तो। और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे सन ब्लाइंड्स भी दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि आपको टॉप में ही मिलने वाले हैं, ये आपको यहाँ पर भी सन ब्लाइंड्स दिए गए हैं। बहुत स्मार्ट सा इंटीरियर है, आपको सिल्वर में डोर हैंडल दिए गए हैं, चारों पावर विंडो आपको मैंने बताई दी है, यहाँ पर आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, ये बहुत स्मार्ट सा डिजाइनिंग है। नीचे के साइड में 2 Type-C पोर्ट भी आपको दिए गए हैं। जो छोटा छोटा मिस करोगे वो है ये वाला सेंटर वाला, जो आपका हैंड रेस्ट है वो नहीं है, लेकिन उसकी वजह से एक फ़ायदा होता है कि अगर आप 5 जने बैठेंगे तो जो सेंटर में बैठने वाले हैं उनको बिल्कुल भी बैक में दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि ये थोड़ा कुछ नहीं हो जाता उस केस में। इंजन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये पर्टिकुलर वेरिएंट जो हमारा है ये आपका अवेलेबल है 1.2 लीटर पेट्रोल के अंदर, 1 लीटर टर्बो के अंदर ये गाड़ी आपको नहीं मिलती है, और 1.5 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन में भी आपको मिल जाएगी। ट्रांसमिशन सिर्फ मैनुअल मिलने वाला है, 1.2 ले सकते हो आप यहाँ पर, या फिर 1.5 डीजल ले सकते हो, तो ये चीज़ आपके पास अवेलेबल है। देख लीजिए अगर आपको सूट करती है तो गाड़ी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। कोई चीज़ अगर मैंने मिस आउट किया है तो कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, बाकी और आपके कुछ डिटेल में डाउट्स हैं तो नंबर यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, आप डायरेक्ट डीलरशिप पे कॉल करके इनसे बात कर लीजिए, कार के ऊपर क्या प्राइस है, कुछ ऑफर वगैरह चल रहा है तो वो सब चीज़ आप उनसे बात कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा खुश रहिए, लव यू ऑल।